हाय फ्रेंड्स, जीकेडी के एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल जीकेडीके को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और हमारे अन्य वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, आज आप हमको बताएंगे रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर उद्योग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि हमने लोड कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में रासायनिक उर्वरक का पहला कारखाना 1906 रानीपेट फ्रेंड्स तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। भारत का रासायनिक उर्वरक का पहला कारखाना 1906 रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सुपर फास्फेट है। ठीक है, इसके बाद आता है भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक कारखाना 1951 में सिंदरी बिहार में स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सिंदरी बिहार में स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में रासायनिक उर्वरक का पहला कारखाना फ्रेंड्स 1906 में, और भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक का कारखाना 1951 में बिहार में स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे रासायनिक उर्वरक के फर्टिलाइजर उद्योग। फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहने के लिए फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।